भारत देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है भारत पार्टी का इतिहास, और हम आज एक महत्वपूर्ण दिन पे खड़े हैं। और अब सब जो लोग देख रहे हैं उनको मैं विशेष देना चाहता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये साल बहुत अच्छा हुआ है हमारा देश को, ये कोरोना से मुक्ति मिले और अच्छे अच्छे चीज़ हमारा ज़िंदगी में आए करके मैं गुजारिश करता हूँ और प्रे करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय हरियाणा। 11 तारीख को जो डीजे हल्ली में इंसिडेंट हुआ, आपके भी कुछ पार्टी के वर्कर्स का नाम आया है, उसके बारे में? जी, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो जो कानून को अपने हाथ में लेता है उसको सज़ा मिलना चाहिए, वो अगर कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो। बट ये जो इंसिडेंट है, ये इसमें हमारा कांग्रेस MLA को अटैक किया गया है। ये कहीं पे भी कांग्रेस वालों ने खुद कांग्रेस को अटैक नहीं करेगा, बाहर वाले किए। इसको जो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है उसको रोकना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो होम मिनिस्टर डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे और कॉरपोरेटर्स को नोटिस देके डराया जा रहा है, MLAs को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ऐसा बोले वैसा बोले करके जो फोर्स दे रहे उसके विरोध हम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने फेयर प्रोब नहीं किया तो हम यूथ कांग्रेस हर गली गली में उतर के प्रोटेस्ट करेंगे। जो अभी हाल ही में पता चला है कि जो जो नेटवर्क से ये लोग उधर जो थे उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो 150 लोग जो उसमें बहुत से मासूम लोग को भी उठाया गया है, घरों में से निकाल के लेके गया है, वो भी हम अंडरस्टैंड करना है। ये प्रोग्राम को पुलिस करेक्टली जो सच में इन्वॉल्व थे उनको लेना है, जो कांग्रेस कॉरपोरेटर थे उनको फ़ोन किए थे उनको भी लेके गए। तो अगर एक एरिया में एक प्रॉब्लम होता है तो उधर का कॉरपोरेटर को, MLA को, लोकल लोग फ़ोन करेंगे ही करेंगे, वो तो मामूली बात है, जाहिर सी बात है। वो पुलिस समझना चाहिए किसको इसमें कनेक्शन है, किसको इसमें कनेक्शन नहीं है, और सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं तो हम लोग युवा जो आज का पूरा कर्नाटका में जितने भी युवा है उतर के रोड पे आएंगे।